Hello guys, in this video I will show you how to create VLAN and how to manage resources from one PC or one system to another system. बात करते हैं कि VLAN चीज क्या है. VLAN जब दो PC, दो से ज्यादा PC, दो से ज्यादा डिपार्टमेंट एक स्विच की मदद से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, नॉट अ डिपार्टमेंट, तो उस वक्त हमें VLAN की जरूरत पड़ती है. VLAN इज अ टेक्निक ऑन अदर कुछ भी आप कह सकते हैं कि एक कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं इसमें कि जो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से एक उनका डाटा या उनके डेटाबेस सिस्टम्स की उनको कंट्रोल करती है या रिस्ट्रिक्टेड कर देती है. तो बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक सिनेरियो है कि ये एक लैब है. दिस वन, ये एक लैब है, कह सकते हैं एक ऑफिस है, कुछ भी सिनेरियो आप ले सकते हैं. तो इसमें सारे पीसी आपस में कनेक्टेड है. तो देखते ये हैं कि ये क्या पीसी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई रैंडम पीसी किसी दूसरे पीसी से. तो सबसे पहले चेक करते हैं इस पीसी का आईपी, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टैटिक सेट किया हुआ है. तो दिस वन आईपी चेक करते हैं, इसका आईपी मैंने सेट किया 1.1.1.2. तो इस पीसी का आईपी 1.1.1.1 किया हुआ है. तो बेसिकली ये फास्ट इंटरनेट पोर्ट से आपस में कनेक्टेड है. तो हम पिंग करके देखते हैं कि क्या इस पीसी से 1.1.1.2 वाला पीसी पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा. पिंग करते हैं, सिंपल पिंग 1.1.1.2, ये कम्युनिकेट कर रहा है. इसका आईपी, सॉरी ये अपने, हाँ ये बल्कि कम्युनिकेट कर रहा है, इसका 1.1 आईपी है. तो ये देखा स्विच में जो फिजिकल एड्रेस पे काम करते हैं पीसी स्विच के साथ, तो उस लिहाज से ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन हमारा जो VLAN का कंसेप्ट है वो कहता है कि ये वाले तीन पीसी इन पांच पीसी से कम्युनिकेट ना करें या ये पांच उनसे ना करें. तो उसके लिए VLAN की टेक्निक आती है. तो ये उस वक्त सिनेरियो आता है जब हमारे पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट ऑफिस ये आते हैं. तो उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ, VLAN की तरफ जाते हैं. लेकिन VLAN से पहले कुछ कंसेप्ट हैं जो क्लियर होना जरूरी है. तो ये हमारा एक स्विच जो है इस तरह काम करता है, हम ये देखें. उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास दो ऑफिस हैं, तो क्या पीसी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं दो पीसी होने के बावजूद, दो डिपार्टमेंट्स होने के बावजूद भी. तो चेक करते हैं, ये मैंने स्टैटिक आईपी पहले ही दिए हुए हैं. अगर आपको नहीं पता स्टैटिक आईपी किस तरह पीसी को देते हैं, तो सिंपली कॉन्फ़िग किसी भी पीसी के इंटरफेस में आना है, कॉन्फ़िग में जाना है, और जिस पोर्ट से वो कनेक्टेड है स्विच के साथ वो एक इधर काउंट हो जाएगी या जितनी भी हैं. तो ये फास्ट इथरनेट 0 इस पोर्ट का नाम है, इधर से कनेक्टेड है. तो ये देखा DHCP में करेंगे तो उधर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन से कहीं और क्लिक करेंगे. तो स्टैटिक में हम क्लिक करते हैं, तो इसका आईपी था 192.168.1.6. तो ये इसका आईपी था, और सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली हमारी आईपी की क्लास की वजह से आ जाता है. तो ये ऑलरेडी है. इसी तरह सारे पीसीज के आईपी मैंने स्टैटिक सेट किए हैं. हम पिंग करते हैं इस पीसी से इसी डिपार्टमेंट के पीसी को. तो इधर से हम डैशबोर्ड कमांड प्रॉम्प्ट आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी देखते हैं. इसका आईपी 192.168.1.2 शो हो रहा है, जो कि इधर भी स्टैटिक मैंने दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो. सॉरी, ये उधर भी शो हो रहा है, लेकिन हम इससे अब इस पीसी को पिंग करते हैं 1.6 वाले को. तो पिंग, तो ये देखो ये पैकेट सेंड भी हो रहे हैं और रिसीव भी हो रहे हैं. ये चार पैकेट सेंड हुए हैं, चार रिसीव हुए हैं, 0% लॉस हुआ है. यानी कि एक डिपार्टमेंट के पीसी अपने दूसरे पीसीज के साथ भी कनेक्ट कर कम्युनिकेट कर रहे हैं. लेकिन
अब क्या इस डिपार्टमेंट के पीसी लैब वन के पीसी लैब टू से कम्युनिकेट कर सकते हैं? अगर स्विच या सिनेरियो से देखा जाए तो हाँ ये कर सकते हैं, तो इधर भी कर ही रहे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं कि एक पीसी को किसी एक इलादा डिपार्टमेंट में रख के स्विच सेम स्विच से कनेक्ट कर देने से ऐसा नहीं होता। तो ये देखते हैं इसका आईपी देखते हैं। मैंने तो स्टैटिक दिया हुआ है, मुझे तो ऑलरेडी पता है, तो इसका 10 आईपी है। तो हम इधर से एक दफा आईपी शो करते हैं, हाँ 192.168.1.10 है। तो हम इससे पिंग करते हैं 192.168.1. जो हमने पहले 6 जिसको पिंग किया, तो हाँ ये देखें रिप्लाई आ रहा है। तो यानी कि इधर से पैकेट सेंड हो रहे हैं, उधर से रिप्लाई आ रहा है, वही सेम सिचुएशन है। 4 पैकेट जो सेंड इसने किए हैं वो रिसीव भी किए हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ, यानी कि हमें वीलैंड ये कंसेप्ट देता है कि अगर इस डिपार्टमेंट से कोई पीसी इस डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करने की कोशिश करे तो आगे से रिस्पांस ना आए, ये डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, उसके लिए हमारे पास वीलैंड का कंसेप्ट आता है। यानी कि ये वाली जो ये 5 पोर्ट है ये कभी भी इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो वो आगे से रिस्पांस नहीं देंगी, ठीक है। तो वो नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ आते हैं। इसी तरह ही मैंने सेम पहले से ही पीसीज को स्टैटिक आईपी दे के एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। तो ये देखें इसी तरह ही हमारे पास 5 पीसी लैब वन में है, 5 पीसी लैब टू में है, लेकिन इधर हमने अभी तक स्विच भी ऐड नहीं किया ना कनेक्शंस क्रिएट किए हैं, क्योंकि जो ये वीडियो है ये बताएगी कि आप वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं, वो बेसिकली कंसेप्चुअल है। अगर वो आप ये ना बता होते तो ये वीडियो भी समझ नहीं आई। देखते हैं हम एक स्विच लेते हैं, सिंपल प्लेस करते हैं और अब इनके कनेक्शंस बनाते हैं। इस पीसी से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, next 7, sorry 8, 9, 10 and 11। basically ये हमने एक ऑर्डर में इसलिए किए हैं कि जो स्विच से फर्स्ट इथरनेट पोर्ट असाइन होगी वो इनको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिहाज से शो असाइन हो। तो ये हमने एक सॉर्टिंग बोल रहे हैं या एक ऑर्डर में असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, यानी कि एक तरतीब से बेशक आप टेंस को पहले स्टार्ट कर लें। स्टैटिक आईपी का यही फायदा होता है कैसे करना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पोर्ट ऑन हो जाती हैं, उसके बाद कुछ कमांड्स हैं जो हमने इसमें कमांड लाइन इंटरफेस स्विच का जो उसमें हमने रन करनी है। तो सबसे पहले आते हैं कमांड लाइन में, आते हैं जो वीलैन है वो हम उधर से भी ग्राफिकली भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना जो कहते हैं ना लर्निंग नहीं हो, लर्निंग या कह सकते हैं कि हमारे के लिए इजी तो होगा लेकिन फ्यूचर में हमारे काम नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको अनेबल करते हैं, स्विच अनेबल किया, होस्ट नेम इसको देते हैं एज पर सॉरी होस्ट नेम नेम स्विच वन कर देते हैं, इनवैलिड होस्ट नेम स्विच वन, सॉरी हम इसके टर्मिनल में तो गए ही नहीं अभी, कॉन्फिग टर्मिनल, हम टर्मिनल में इन आ चुके हैं। तो अब इधर हम करते हैं कि इस स्विच का नाम चेंज कर देते हैं, होस्ट नेम स्विच वन कर देते हैं, सॉरी स्विच वन, तो होस्ट नेम चेंज हो चुका है। अब इसके बाद आता है कि वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले करते हैं वीलैन 10 नेम कर देते हैं लैब
वन, उसके बाद करते हैं VLAN 20, नेम लैब 2। ये हमारे पास VLANs क्रिएट हो गई है यहाँ तक। अब इसके बाद बात आती है कि जो ये पोर्ट्स असाइन हुई हैं, सबसे पहले एक बात कंफर्म करते हैं कि ये जो पीसी है स्विच के कॉन्फ़िग में आते हैं फास्ट इथरनेट 0 है, जो 01 है। ये पीसी क्या फास्ट इथरनेट के 01 से ही कनेक्टेड है? सॉरी, ये 5 है। हाँ, ये 4 से कनेक्टेड, जैसे कि एक ऑर्डर में कनेक्टेड है। तो हमने यही देखना था। और इधर के 5 पीसी हैं जो, उनको हम ये पहली 5 पोर्ट असाइन करेंगे फास्ट इथरनेट 0125 तक। उसके बाद जो आगे के 5 पीसीज हैं उनको 6 से लेके 10 तक, या आपकी मर्जी है तो 24 तक भी असाइन कर सकते हैं। हमारे पास जितने पीसी एक डिपार्टमेंट में होंगे या वहाँ, तो उनके लिए जो कमांड है, हम फिर CLI में जाते हैं और देखते हैं। हाँ, हम अभी तक कॉन्फ़िग टर्मिनल में ही हैं। तो ये कमांड्स हैं कुछ, ये मैं आपको फाइल भी साथ दे दूँगा। ये कॉन्फ़िग टर्मिनल की फाइल थी, कमांड थी सॉरी, जो सबसे पहले हमने रन की कि टर्मिनल में कैसे जाना है। उससे पहले एक कमांड है कि पीसी को अनेबल करने की है। ये सिंपल ENBI अनेबल भी है हरी हुई। फिर हमने VLAN क्रिएट की, VLAN 10 के नाम 10 सॉरी, उसमें जो नेम दिया डिपार्टमेंट्स का, इधर सॉरी सेल्स का हम लैब 1 का कर देते हैं जो उधर दिया। ये फाइल मैं आपको साथ ही दे दूंगा, ये पहले इधर से क्रिएट किया हुआ है, तो इस वजह से इधर अब हमने जो चेंज कर दिया लैब 2 हो जाएगा। तो सिंपली ये, तो अब ऐसा होगा कि हम रेंज सिलेक्ट करेंगे स्विच की पोर्ट्स की, इंट रेंज फास्ट इथरनेट F0, ठीक है 1 2 3। तो वहाँ पर हमारे पास 5 पीसी हैं, हमने 3 नहीं 5 करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 5 पीसी हमारे पास आएंगे। और वो सिर्फ किसको एक्सेस करेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ओनली VLAN 10 को एक्सेस करेंगे। और उसके बाद आता है इंट रेंज जो है F0 फास्ट इथरनेट 0 के जो पोर्ट है वो यहाँ से 6 से लेके 10 तक। तो फिर आगे वही सेम सिचुएशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि VLAN को ब्रीफली शो करेंगे, और अगर हमने ये सारी सेटिंग राइट करनी है तो राइट की कमांड है दैट्स ऑल। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इन रेंज F0/1 2 5। तो एंटर, तो ये हो गई एक स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 दैसा। उसके बाद फिर हम आते हैं इंट रेंज F0/6 2 10। That's enter. Now switch for access VLAN 20. That's enter. Basically, now configuration is completed. You check. आप देखें कि जो हमारे पास पहले रेंज सिलेक्ट हुई थी वो ये लाइट्स ग्रीन हो चुकी हैं, और थोड़ी देर में ये वाली लाइट्स भी ग्रीन हो जाएंगी जब ये स्विच के साथ या दूसरे पीसी स्विच की दूसरे एक्स्ट्रा पोर्ट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो हम आते हैं स्विच के CLI में। अब हम इधर से एग्जिट करते हैं एक दफ़ा, फिर टर्मिनल से भी एग्जिट करते हैं। तो अब हमारे पास हम स्विच में देखा है आपने, हमने जो स्विच का
उसने हम चेंज किया था, वो स्विच वन आ चुका है। तो इधर से हम करते हैं कि शो विलन ब्रीफली। तो अब इधर से हम देख सकते हैं कि देखिए लैब वन के नाम से विलन 10 जो है वो लैब वन के नाम से कॉन्फ़िगर हुई है, एक्टिव है। फास्ट इथरनेट 0, 2, 4, 5 ये इसमें है। और लैब टू में देखते हैं 6, 7, 8, 9 और 10 और जो बाकी पोर्ट है वो डिफॉल्ट है। अगर उनके साथ कोई पीसीज कनेक्ट करेंगे, नई विलन क्रिएट करेंगे और बाकी पीसीज को उतर देंगे, अगर हम उनको डिफॉल्ट रखते हैं तो वो फिर भी इस इनके दोनों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और इन दोनों के पीसीज भी कहीं भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे सिवाय अपने डिपार्टमेंट्स के साथ। तो अब हम देखते हैं, अब यही पीसी तो पिंग करते हैं हम इस पीसी से किसी, बल्कि पहले हम इसी डिपार्टमेंट के पीसी को पिंग करते हैं, उनका आईपी देख लेते हैं। पहले ये जो हमने पीसी सेट चेक किया, आईपी सेट किया पिंग, तो इसका आईपी देखते हैं 192.168.1.10 है। तो इधर से ये पीसी सिलेक्टेड है, ये इसका आईपी है, और ये आईपी देख सकते हैं 192.168.1.1। तो हम इस 1.8 सॉरी पिंग करते हैं 192.168.1.8। तो ये अपने डिपार्टमेंट के पीसी को पिंग कर रहा है और वो आगे से इसको रिप्लाई दे रहा है, यानी कि अपने डिपार्टमेंट के साथ ये पिंग कर सकता है। अब यही पीसी क्या इस डिपार्टमेंट के पीसी के साथ, सॉरी ये क्लियर स्क्रीन नहीं कर रहा, ओके नॉट अप। तो अब हम इस पीसी के साथ मिल करते हैं, इसका आईपी ये देख सकते हैं पिंग, सॉरी 192.168.1.5 है। तो ये देखें ये पिंग तो कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है और वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगी, इस लैब वन को कर रहा है, लैब टू का पीसी लैब टू को वन को सॉरी जब कम्युनिकेट करने की ट्राई करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगी। ये कंसेप्ट है बेसिकली वीलैन का, हम अपनी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कि हर डिपार्टमेंट के साथ एक अलहदा स्विच ना लगाएं नेटवर्क से राउटर से, तो उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हम एक ही स्विच के साथ ज़्यादा डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली एक ऑफिस के लिए तकरीबन एक अगर हम स्विच लेते हैं उसके अंदर 3 सिस्टम्स हैं तो उसमें 24 पोर्ट आती हैं, तो वो बाकी जो पोर्ट्स हैं जो 16 बचती हैं या 17 बचती हैं तो वो फ्री होती हैं, तो इसलिए हम उनको वर्किंग में लाने के लिए वीलैन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ये देखें इसने पैकेट सेंड किए हैं 4 और इसको रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, जो उसके पैकेट सेंड हुए थे वो स्विच में ही गार्बेज में चले गए, वो उधर से ड्रॉप हो गए, आगे नहीं गए, चारों के चारों लॉस हुए हैं और 100% लॉस हुआ है। तो यही कंसेप्ट था, हम इधर से रैंडम पीसी को लेते एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं क्या इधर से उधर कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम इधर से पिंग करते हैं ये वाले सिस्टम को 192.168.1.89 सॉरी पिंग 192.168.1.9 लेट्स स्टार्ट चेक दिस। तो ये देखें कम्युनिकेट तो करने की ट्राई कर रहा है लेकिन यही है वही सेम रीज़न बार आ रही है, दोबारा आ रही है कि रिक्वेस्ट टाइम लो रिक्वेस्ट टाइम लो, ये इसी तरह ही आएगा जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे कि वीलैन के जो वीलैन 10 के हैं स्विच पोर्ट्स वीलैन सॉरी स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 उनकी पहले इन रेंज में सिलेक्ट करके ये नहीं करेंगे या उनको डिफॉल्ट में नहीं भेजेंगे तो तब तक ये इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और हाँ अगर आपने इनके साथ कम्युनिकेट करना है तो एक एक्सटर्नल स्विच के साथ दूसरे राउटर की मदद से वो ALC या ACL कुछ एल्गोरिदम्स हैं टेक्निक्स हैं उनकी मदद से हम नेटवर्क में जाकर ये डिपार्टमेंट्स किसी दूसरे नेटवर्क की में से हो के आ फिर इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज वीलैन में होते हुए ऐसे नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में यही था, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।